तो दोस्तों, क्या आप लोगों के घर के अंदर भी एंड्रॉयड टीवी लगा हुआ है? और अगर दोस्तों लगा हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो 100% आपके एंड्रॉयड टीवी में भी सेम दिक्कत है जो सभी एंड्रॉयड टीवी में आती है। और दोस्तों, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड टीवी के स्लोनेस के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स हैं एंड्रॉयड टीवी के अंदर जो कि इनबिल्ट आती हैं। अगर मैं किसी को भी लॉन्च करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितना लंबा समय लेगा ये एक एंड्रॉयड ऐप को खोलने में। दोस्तों सिमिलरली अगर मैं कोई और भी यहाँ पे ऐप खोलता हूँ, तो दोस्तों बिल्कुल सिमिलरली आपको यहाँ पे देखिए कितना डिले दिखेगा एक एंड्रॉयड ऐप को खोलने में, विच इज़ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम अगर आप लोगों को फास्ट डिवाइसेस यूज़ करने में मज़ा आता है। तो दोस्तों इस केस में मैं आज आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड टीवी को भी फास्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने किया अपने सिस्टम में कुछ सेटिंग्स को चेंज करके। तो दोस्तों, आपको एंड्रॉयड टीवी के अंदर ही कुछ ऐसी सेटिंग्स मिलेंगी जो कि आपको चेंज करनी है, एंड उससे आपका एंड्रॉयड टीवी सुपर फास्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और बताते हैं हाउ टू टर्न योर एंड्रॉयड टीवी सुपर फास्ट। दोस्तों सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जाना है अपनी एंड्रॉयड सेटिंग्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड सेटिंग्स आपको अपने डिवाइस के अंदर मिलती हैं जो कि आपको बताएंगी कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो दोस्तों हर डिवाइस के अंदर हो सकता है इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सट्रीम यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सट्रीम के अंदर मेरे पास नीचे सिस्टम सेटिंग्स में एंड्रॉयड सेटिंग्स मिल रही हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली कोई सोनी का एंड्रॉयड टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो सिमिलरली कुछ डिफरेंट मिलेगा। अगर आप TCL का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है उसके बेसिस पे आपको मेन्यू कहीं और मिलेगा। बस दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है वो सबका सेम रहेगा, बेसिक सेटिंग सबकी सेम रहेंगी, एंड वही सेटिंग का हमने आज यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहली सेटिंग जो आपको दिख रही है वो नेटवर्क की है। एंड उसके बाद दोस्तों हमें जो जिसमें सबसे बड़ा काम है वो है दोस्तों डिवाइस प्रेफरेंसेस। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग पहली सेटिंग की जो कि हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों जो पहली सेटिंग है हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है वो है दोस्तों कौन सी, डेवलपर ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों, ये डेवलपर ऑप्शंस वही डेवलपर ऑप्शंस हैं जो कि आपके सिस्टम यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन के सिस्टम भी मिलते हैं, और इसको एनेबल करने का तरीका भी बिल्कुल और बिल्कुल सेम है। दोस्तों इसको एनेबल करने के लिए आपको वही एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर करते थे, दैट इज़ गो टू अबाउट, एंड दोस्तों वहाँ जाके आपको बिल्ड में जाना है, एंड बिल्ड में जाके आपको मल्टीपल टाइम्स क्लिक मारना है। ऑलमोस्ट 10 times क्लिक मारेंगे तो यू विल गेट योर डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन हूँ, तो मुझे वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग आपको बताते हैं कि पहली सेटिंग क्या है। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद फर्स्ट सेटिंग है जो कि आपके डिवाइस को ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना देगी और फास्ट बना देगी। दोस्तों वो है यहाँ पे इसका UI इंटरफेस। दोस्तों जो UI इंटरफेस है वो ही काफ़ी स्लो है, उसके अंदर जो एनिमेशंस आती हैं वो सिस्टम को काफ़ी स्लो करती हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम को भी स्नैपी बनाना चाहते हैं, अपने TV को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडोज़ एनिमेशन को, ट्रांजिशन एनिमेशन को सबको यहाँ पे ऑफ कर देना है। और दोस्तों हो सकता है कि आपका TV अगर एनिमेशन ऑफ होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप लोग यहाँ पे एनिमेशन स्केल 0.5x भी ले सकते हैं। दोस्तों इट विल मेक श्योर कि आपका जो एनिमेशन है वो फास्ट हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंटरफेस लगेगा अपने TV का। दोस्तों जो सेकंड सेटिंग है जो कि आपके एंड्रॉयड TV को फास्ट बना देगी दोस्तों, वो है इसके अंदर फोर्स GPU रेंडरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले अपने पुराने एंड्रॉयड डिवाइसेज में किया करते थे, बट दोस्तों यहाँ पे जो आपके एंड्रॉयड TV आते हैं वो आज भी उसी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं जो कि सदियों पुराने आपके फ़ोनों में हुआ करती थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसी सेटिंग का सहारा भी लेना पड़ेगा, एंड इट विल ऑल्सो मेक योर सिस्टम TV वेरी फास्ट। दोस्तों जो तीसरी सेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड खासकर तब काम आती है जब आप लोग अपने सिस्टम के अंदर या अपने TV के अंदर काफ़ी सारी ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे नेटफ्लिक्स खोला, ठीक है, नेटफ्लिक्स खोलने के बाद आपने यहाँ पे होम बटन दबा दिया, एंड दोस्तों आप बाहर निकल गए यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं बाहर निकल गया, एंड अब आपने खोला लेट सपोज YouTube, और दोस्तों यहाँ से भी आप बाहर निकल गए। तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, ये सारी जो भी आपकी ऐप्स हैं वो सारी ऐप्स क्या हो रही हैं, वो मल्टीटास्किंग हो रही है, वो पीछे आपकी ओपन होती जा रही हैं। अब मैं अगर यहाँ पे नेटफ्लिक्स खोलूँगा तो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट खुल जाएगा क्योंकि वो बैकग्राउंड में खुला हुआ था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुला हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे
बैक कर दूं और आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मस्त है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम और भी ज़्यादा फास्ट होने वाला है दोस्तों, वो ये है। दोस्तों आपको वापस जाना है एंड्रॉयड सेटिंग्स के अंदर, और दोस्तों एंड्रॉयड सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डिवाइस प्रेफरेंसेस में, एंड अगेन गो बैक टू योर डेवलपर ऑप्शंस। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन तो किंग है अगर आपको कोई भी सिस्टम फास्ट बनाना है तो। दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिमिट करना है एक ऐसी चीज़ जो कि आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो बनाती है दोस्तों, उसका नाम है आपका बैकग्राउंड प्रोसेसेस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके मोबाइल के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन खुल सकते हैं, सिमिलरली आपके टीवी के अंदर भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस खुल सकती हैं, एंड उनको लिमिट करने का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं टीवी के अंदर मल्टीटास्किंग की कोई खास नीड नहीं है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे क्लिक कर सकते हैं टू मेक इट सुपर फास्ट, नहीं तो आप चाहें तो एक प्रोसेस को पीछे बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं एंड आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद आपकी जो मैक्सिमम फास्ट स्पीड होनी है वो हो जाएगी, पर दोस्तों रुकिए, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपकी मेमोरी खा रहा है या फिर कहें आपकी परफॉर्मेंस जो है प्रोसेसर की वो डिग्रेड कर रहा है दोस्तों, वो है आपका डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर ही एक चीज़ जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको जाना है डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर, और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूसेज एंड डायग्नोस्टिक। दोस्तों बेसिकली क्या है, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली गूगल को रिपोर्ट जाती है कि भाई सही चल रहा है, ख़राब चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या सही है, सो दैट वो लोग इम्प्रूव कर सकें अपने सिस्टम को। ऑल्दो पता नहीं इम्प्रूव करते हैं नहीं करते, पर दोस्तों इसकी वजह से आपका जो है डेटा काफ़ी यूज़ होता है, प्लस मतलब काफ़ी तो नहीं थोड़ा सा यूज़ होता है, बट उसकी वजह से प्रोसेसिंग काफ़ी यूज़ होती है क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है, और ऑलवेज एक चीज़ है जो कि ऑन है जो कि वो कलेक्ट कर रही है डेटा को कि आपका सिस्टम कैसा चला रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको भी ऑफ कर दिया है, विच इज़ आर फाइनल सेटिंग। एंड दोस्तों इसके बाद जब आप अपने सिस्टम को यूज़ करेंगे, आई एम टेलिंग यू कि आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा फास्ट हो चुका है आपका डिवाइस। दोस्तों आपको पता लगेगा कि कितनी जल्दी आप लोग किसी भी ऐप को अब खोल पाएंगे, कितनी स्पीडली आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है जो कि पहले काफ़ी टाइम ले रहा था स्क्रॉल होने में। तो दोस्तों ये सब कुछ जो है तभी हो सकता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।